good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine. Today we are going to start chapter 4 for English for grade 2. And name of the chapter is Prakash the Peacock. Kya hai chapter ka name beta? Prakash the Peacock. What is the national bird of our India? बेटा इंडिया नेशनल बर्ड क्या है पता है आपको? नेशनल बर्ड इज पीकॉक. What's the national bird? Peacock. Peacock is our national bird. It is one of the most beautiful bird in the world. सबसे सुंदर बर्ड कौन सी है पूरे वर्ल्ड में? Peacock. Peacocks are known to fan their colorful tails open and dance before it rain. नाचते हुए मोर को देखा है आपने? कितना सुंदर लगता है जब वो पंख फैलाता है अपने. दिस स्टोरी इज अबाउट पीकॉक कॉल्ड प्रकाश हु वॉज टू शाय टू डांस इन फ्रंट ऑफ एनीवन. अब ये स्टोरी किसके बारे में है बेटा? पीकॉक के बारे में है. एंड व्हाट्स द नेम ऑफ पीकॉक? प्रकाश. जिसे बहुत शर्म आती थी किसी के सामने डांस करने में. हमें भी शर्म आती है ना, बहुतों को शर्म आती होगी किसी के सामने डांस करने में. तो ऐसे वो बहुत शाय नेचर था, उसे बहुत शर्म आती थी. ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग द स्टोरी. ऑल ऑफ यू लिसन इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट. प्रकाश द पीकॉक वॉज वेरी शाय. प्रकाश क्या था बेटा? पीकॉक क्या थी? बहुत शाय. ही कुड नॉट डांस इन फ्रंट ऑफ अदर पीकॉक्स. वो दूसरे पीकॉक्स के सामने डांस नहीं कर पाता था. थैया थैया, वन टू टू वन टू. द टीचर काउंटेड. टीचर ने काउंट करना शुरू करा. वन टू वन टू. रिपीटेड द लिटिल पीकॉक्स मूविंग द राइट फुट फर्स्ट एंड द लेफ्ट फुट. ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप में अपने फुट को वन टू करके मूव करने लगा. प्रकाश वॉच देम फ्रॉम बिहाइंड अ बिग थॉर्नी बुश. प्रकाश ने उन्हें पीछे से देखा. थॉर्नी मीन्स जिसमें बहुत ज्यादा कांटे कूटे होते हैं. ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन हिज हाइडिंग प्लेस. और वो वहां पे छुप के क्या करने लगा? प्रैक्टिस करने लगा, डांस करने लगा. ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू प्रैक्टिस लीपिंग नियर अ थॉर्नी बुश. उसने कहा बुशेस के पीछे छुप के प्रैक्टिस करना ये कोई बुरा आइडिया नहीं है. इट इज वेरी गुड. लीपिंग मीन्स वहां पे जंप करना. Ouch! Ouch! Shouted Prakash as he crashed onto a pile of thorny twigs while taking the twist and leap. Prakash ne shout kiya jab wo wahan se cross kar raha tha, tab usne twisting kari jab jump kar raha tha wahan pe. What on earth was that noise? Usne kaha wahan pe kya shor ho raha hai? The teacher asked. He ran towards the thorny bush. वो उस थॉर्नी बुश की तरफ भागा. Goodness, प्रकाश, what are you doing here? उसने पूछा, प्रकाश आप यहाँ क्या कर रहे हो? Why aren't you dancing with all other peacocks? The teacher asked. टीचर ने पूछा, आप बाकी पीकॉक्स के साथ डांस क्यों नहीं कर रहे हो? Before प्रकाश could reply, the other peacocks answered in means. प्रकाश के डांस करने से पहले बाकी पीकॉक्स ने सारे ग्रुप में जो बैठे वहां पे उन सब ने आंसर दिया. प्रकाश कांट डांस. उन्होंने कहा प्रकाश डांस नहीं कर पाता. प्रकाश कांट प्रांस मींस उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वो एनर्जेटिक वे में डांस नहीं करता. ही कुड नॉट, ही कैन नॉट इवन टॉक. ऑल ही कैन डू इज वॉक. वो सिर्फ क्या कर सकता है? वॉक कर सकता है. बिफोर द टीचर कुड स्कोल्ड द पीकॉक्स प्रकाश रैन अवे. जैसे टीचर उन बाकी पीकॉक्स को स्कोल्ड करती डांटती तो प्रकाश वहां से भाग गया. ही स्टॉप्ड अंडर अ बिग जामुन ट्री एंड बिगैन टू क्राई. वो एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था, उसके नीचे जाके रुक गया और वहां जाके रोने लगा. ही वुड हैव स्टेड देयर क्राइंग ऑल मॉर्निंग. सारी सुबह वो वहां पे खड़ा होकर रोता रहा. सडनली ही हर्ड थंडर इन द स्काई एंड दिस वॉज फॉलोड बाय क्लैश ऑफ लाइटनिंग. फिर उसने एकदम बादलों की आवाज सुनी, बिजली चमकती है ना जो, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग उसने वहां पे सुनी. प्रकाश लुक्ड अप एंड सॉ द ब्राइट लाइटनिंग. सडनली ही फेल्ट हैप्पी. एकदम वो खुश हो गया.
थैया थैया थक थन थूम, प्रकाश क्राइड आउट लाउडली. फिर वो खुश होने लगा, क्राइड करने लगा. ही स्प्रेड आउट हिज टाइनी टेल लाइक फैन एंड प्रांस्ड एंड डांस्ड एंड व्रिल्ड एंड ट्विल्ड. और फिर वो क्या करने लगा, डांस करने लगा. व्रिल्ड एंड ट्विल्ड मीन्स स्पिन अराउंड, घूमने लगा. ट्विल्ड मीन्स टर्न्स लिए उसने बहुत सारे. All of them were clapping. और उसको देख के सबके सब क्या करने लग गए, क्लैपिंग करने लगे. You are a great dancer, प्रकाश. Why are you so shy? The teacher asked. टीचर ने कहा, आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो, तो फिर आपको शर्म किस बात की आती है, क्यों शर्मा रहे हो आप? प्रकाश blushed and smiled. प्रकाश का फेस बिल्कुल एकदम क्या हो गया, लाल हो गया, रेड हो गया. और फिर वो हंसने लगा. ही फेल्ट शाय एंड हैप्पी एट द टीचर्स वर्ड्स. जब टीचर ने उसको ऐसे कहा तो उसे टीचर के वर्ड्स पे भी तो शर्म आने लगी, पर वो खुश होने लगा जब टीचर ने ऐसे बोला. तो हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स हैड लाइक हिज डांसिंग. अब जो टीचर थी और जो उसके क्लासमेट्स थे, सबको उसका डांस बहुत पसंद आया था. प्रकाश डिड नॉट नो Why he was so shy? प्रकाश को ये नहीं पता था कि वो इतना शर्मा क्यों रहा है. But as they walked back together, his shyness started to fade away. But जैसे जैसे वो वापस जाने लगे, उधर से हटे, तो उसकी जो शाइनेस थी, जो शर्म आ रही थी, वो खत्म हो गई. फेड अप मीन्स बिकम लेस, कम होने लग गई. ओके, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस. Why did प्रकाश the peacock not dance in front of anyone? क्यों नहीं करता था वो डांस? Because he was very shy. Where did he practice dancing? कहाँ पे उसने प्रैक्टिस कर रहा था वो? Leaping near the behind the thorny bush. What did the other peacock say when the teacher found him practicing? जब टीचर ने उसे प्रैक्टिस करते देखा, तब बाकी लोगों ने क्या कहा था, सभी पीकॉक्स ने, कि वो टॉक नहीं कर सकता, he can do only walk. What did प्रकाश hear when he was crying? जब वो रो रहा था, तब उसने क्या सुनी थी? He heard a thunder in the sky. सुनी थी ना, flash of lightning सुनी थी. What did प्रकाश do when he heard thunder and saw the lightning? क्या करा उसने? He spread out his tiny tail like wing fan and started dance and whirled and twirled. What did the other peacocks do this time? बाकी peacocks ने क्या किया था? They all started clapping. There are some difficult words we are discussing. Repeated. Repeated means doing again and again. Same चीज को बार बार repeat करना. Thorny, having more thorns, कांटे जिसमें ज्यादा होते हैं. Practicing, किसी चीज की हम practice करते हैं ना, कि हाँ एक बार हमारे से वो चीज अच्छी नहीं हुई, हम उसको दोबारा से करते हैं, अच्छे से कर पाएंगे, तो उसे बोलते हैं प्रैक्टिसिंग. चोरस मीन्स स्पीक टुगेदर, एक साथ. अगर क्लास में टीचर आपको पूछेगी, बोलेगी गुड मॉर्निंग ऑल, तो आप बोलोगे ना गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू, यू विल से वी आर फाइन. तो बोलना स्पीक इन टुगेदर, एक साथ ग्रुप में बोलना. प्रांस, प्रांस मीन्स वॉक और डांस इन अ एनर्जेटिक मैनर. एक एनर्जी से अगर हम डांस करेंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे, कि हाँ काम कर रहे हैं, एनर्जी है हमारे अंदर. फ्लैश, अ सडन शॉर्ट बर्स्ट ऑफ ब्राइट लाइट, बिजली चमकती है ना. व्रिल्ड, स्पिन अराउंड, स्पिन करना, घूमना. ट्विल्ड, टू टर्न क्विकली मेनी टाइम्स, बहुत बार वहां पे टर्न करना. ब्लश्ड, बिकम रेड, रेड हो जाता है फेस बिल्कुल. फेड, बिकम लेस. देर आर सम स्पेलिंग बी वर्ड्स, यू विल लर्न दी स्पेलिंग्स एंड write it. Next, let's try one. Look at the picture on page number 44, 45, 46 in the story and then answer the questions. There are some questions written, beta, and you have to write these answers in your notebook. Next is thinking about the story. Let's try two. Yes or no, you will do it by your own. Let's try three. Why was Prakash hiding and crying under the jamun tree? Answer in one or two lines in your notebooks. वो जामुन ट्री के नीचे क्यों रो रहा था बैठ के वहां पे, ठीक है? इसका आंसर आप राइट करोगे. ओके, थैंक यू, बाय.